हाय, आजकल जैसे सर्दियां हैं तो डेफिनेटली लोगों को खाने की तरफ काफी ध्यान भटकता है, पिन्नियों की तरफ या फिर कुछ गर्म चीजें, फ्राइड आइटम्स, और साथ में उनको ये भी लगता है कि हम ये अपने फेवरेट फूड्स भी इंक्लूड करें और अपने वेट को भी कंट्रोल करें। तो वो उन सब के लिए जस्ट प्लीज कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने डेली रूटीन लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहले, अगर आपको पिन्नियां खानी है, ट्राई टू इंक्लूड दैट इन योर ब्रेकफास्ट। आप एक वन कप ऑफ मिल्क एंड वन पिन्नी आप इंक्लूड कर सकते हो, बट डेफिनेटली उसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट माइनस करना पड़ेगा। एंड डिनर, ट्राई टू कीप लाइट। जितना आप डिनर डाइट रखोगे तो स्पेशली इन विंटर्स आप अपने आपके वेट को कंट्रोल कर सकते हो। एक छोटी सी टिप है, बट शायद लोगों ने इसको सोचा भी नहीं होगा कि ठंडा पानी विंटर में कितना कमाल करता है। हम सब ने सुना होगा कि ग्रीन टी लो, ब्लैक कॉफी लो या फिर गर्म पानी लो, बट डेफिनेटली विंटर्स में अगर आप 2 ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करते हो, वो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, जिससे कि आपका वेट लूज होगा। और उसका रीजन क्या होता है, डेफिनेटली क्योंकि पूरे दिन क्या होता है, विंटर्स में हमारे पास एक होता है कि हम सारी चीजें गर्म गर्म इंक्लूड करते हैं और बॉडी अपना टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मेंटेन करती है। बट जैसे आप ठंडा पानी अपनी बॉडी में इंक्लूड करते हो तो आपकी बॉडी उस टेम्परेचर से बाहर निकलने के लिए या एक मेंटेन करने के लिए वापिस बर्न आउट करती है कैलोरीज, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा एंड यू विल बी एबल टू लूज। सो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। एंड जो भी फ्राइड आइटम्स हैं उनको कीप ऑन चेक। अगर आप वीकेंड्स पे रख पाते हो तो दैट्स रियली ग्रेट अपने फ्राइड आइटम्स को। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स को आप इसमें स्पेशली इंक्लूड कर सकते हो, जैसे गाजर होगी, पालक होगी, इट्स अ सीजनल वेजिटेबल्स। आप इनको सूप की फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हो, जूस की फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप जूस इंक्लूड करें तो प्लीज उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर इंक्लूड ना करें, सो दैट आपका एटलीस्ट जो कैरेट के अंदर या बीटरूट के अंदर जो शुगर है, दैट इज इनफ फॉर यू। तो दीज आर द सम टिप्स। थैंक यू सो मच। ट्राई टू कॉल द क्लाइंट्स मिनिमम ट्वाइस इन वीक। एटलीस्ट क्या होता है कि एक हमारा कम्युनिकेशन हमारा कम हो जाता है और एक वो डंडा मिलता है क्लाइंट्स को, जब तक आप नहीं मिलोगे दिल नॉट बी एबल टू स्ट्रिक। तो कोशिश करते हैं 2 टाइम्स इन वीक विजिट करवाने की। कई लोग वर्किंग होते हैं, दिल नॉट बी एबल टू मैनेज, देन हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट वंस इन वीक आप विजिट करो, जिससे कि एक डाइटिशियन का और एक क्लाइंट का कनेक्शन बना रहता है, कनेक्शन हमारा बना रहता है। क्योंकि वो कहते हैं कई बार हमें डंडा चाहिए होता है, इट्स नॉट ओनली डाइट। पहले टेस्ट के लिए आप कोई और टेस्ट वगैरह कराते हैं? डेफिनेटली मैम, हमारे कुछ अलग डाइट बनेगी ना। देखो, हम आते ही ऐसा नहीं कि हम आपको एक टेस्ट की लिस्ट दे देते हैं। कई लोग ऑलरेडी दे हैव गोन थ्रू विद डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, कि हमारा शुगर टेस्ट या वो करवा के ले जाता है। अगर मुझे लगता है विद इन 6 मंथ्स उन्होंने टेस्ट किया हो तो डेफिनेटली हम उसको एक रखते हैं कि यू आर ओके। अगर हमें इफ आई रिक्वायर्ड, लाइक अगर आपका यू नॉट बी एबल टू लूज योर वेट, देन वी सजेस्ट सम टेस्ट जो कि ओबेसिटी से रिलेटेड है, जैसे कुछ हार्मोनल टेस्ट है। आपका इंसुलिन टेस्ट हमें रिक्वायरमेंट होता है कई बार, अगर आपका वेट नहीं जा रहा है। थायराइड की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफी हो रही है। विटामिन डी को लोग लाइट में भी ले रहे हैं, इट्स ओके मैम, वो तो 80% इंडियंस को रहे हैं, राइट? 80% इंडियन को विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, बट उसका लोगों को ये नहीं पता कि उसका वेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अंटिल एंड अगर आप उसको क्योर नहीं करोगे, यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट, बिकॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी और विटामिन बी डेफिशिएंसी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, जिससे कि यू विल बी एबल टू गेन योर वेट। तो डेफिनेटली हमें वो चीजें भी, कई बार आपने भी नोटिस किया होगा, यू स्टार्ट फीलिंग डिजीनेस, लेजीनेस ऑल द डे, यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी। तो उसमें सिम्टम्स ये है कि आपका कहीं ना कहीं विटामिन डी या हार्मोनल या इंसुलिन या B12 आपका कहीं ना कहीं लाए। अगर हमें लगता है तो हम वो टेस्ट डेफिनेटली फॉर द वेट पर्पज की तरफ से हम करवाते हैं, क्योंकि उसके करेक्शन वो विटामिन डी एंड B12 आपके सप्लीमेंट्स लेने से ही कंप्लीट होंगे। क्योंकि अगर अंटिलनेस या तो वो सन से मिलता है विटामिन डी, सन एक्सपोजर आजकल हम डेली बैलेंस होने से क्या बॉडी में क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम आती है इसके सिम्टम्स? जैसे मैंने बोला ना, विटामिन डी B12 अगर आपके बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो आपको लगेगा कि पूरा दिन स्लीपी लगेगा, आपको एनर्जी लेस लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ भी काम करते हो स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, सेम विद द आयरन। तो ये चीजें कब होते हैं, दैट मीन्स आपको मेटाबॉलिज्म स्लो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स आपके अप डाउन हो रहे हैं या कोई ना कोई हार्मोन्स आपके अप डाउन हो रहे हैं। सो देयर इज अ सप्लीमेंट, नो क्या कहते हैं, देयर इज अ लिक्विड, या तो वो हमें रेगुलर लेना चाहिए, आई गेस। डेफिनेटली रेगुलर, बट अंडर गाइडेंस प्रॉपर डॉक्टर्स के। क्योंकि ओवर अगर आप ओवर डोज ऑफ विटामिन डी लेते हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बट ओवर डोज आजकल इंडिया में मिलेगा नहीं, क्योंकि सन एक्सपोजर होता नहीं है, तो वो उसकी वजह से आजकल हमें विटामिन डी का
और वो आपको सप्लीमेंट से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन स्टिल हम आपको बोल देते हैं कि फिश से आपको मिल जाएगा विटामिन डी, बट बीइंग अ वेजिटेरियन आपके पास कोई है ही नहीं विदाउट एक्सेप्ट नट्स या कुछ एग्स, पनीर में कुछ नहीं होता। और जो वेजिटेरियन उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। तभी कह रहे हैं वेजिटेरियन वालों को तो आपको 100% सप्लीमेंट से ही कवर अप करना पड़ेगा फॉर विटामिन डेफिशिएंसी। ऑलमोस्ट यू कैन से 16 इयर्स आई हैव बीन इन दिस फील्ड एंड स्टार्ट आई हैव स्टार्टेड दिस फर्स्ट क्लिनिक फ्रॉम गुड़गांव क्लिनिक फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। Then I start वो कहते हैं ना फर्स्ट 10 क्लाइंट्स अगर आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, मतलब क्यों लगा आपको ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए? 10-15 साल पहले अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली एक वेट लॉस का इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि हमें वेट लूज करना है। कुछ मेडिकल इश्यूज होगी, बीपी वाले पेशेंट्स आते थे या शुगर वाले, बट अगर धीरे धीरे विद द टाइम ऑफ लाइक एजेस अगर आप बात करोगे तो आजकल हर किसी बंदे को एक रिक्वायरमेंट है राइट डाइटिशियन की जो कि आपको राइट गाइडेंस दे पाए। बिकॉज देखो कहते हैं ना हमारी सारी मेडिकल या मेडिसिन इसका जो डिजीज का रूट है वो हमारी ओबेसिटी है। अगर आपको अपने वेट को कंट्रोल कर पाते हो तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर ऑल द मेजर लाइफस्टाइल डिजीज। मैंने आपसे आने से पहले वही मैं बात वेट लूज करते हैं सप्लीमेंट्स, उसके सप्लीमेंट्स हैं वो क्या चीज है, वो क्या नुकसान करते हैं, क्या मतलब वो उसको कोई फायदा मिलता है उसके बारे में? देखो मैं किसी भी कंपनी के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि दे आर हार्मफुल, बट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। जैसे अगर हमने एक पैरासिटामोल लेते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं तो एक टाइम आता है कि बॉडी उसके यूज्ड हो जाते हैं, देन यू नीड टू एड सम अदर केमिकल। तो बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल जाएगा फिर बॉडी को ना उस केमिकल के ऊपर ट्रिगर करने की आदत हो जाती है। जब तक आप उस बॉडी को वो फीड नहीं करोगे बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, बॉडी एक लिथार्जी मोड पे चली जाएगी। तो बेटर है बॉडी के अंदर आप वो चीज इंक्लूड करो जो नेचुरल हो, लॉन्ग टाइम के लिए कर पाओ। आप कोई भी फूड सप्लीमेंट्स या कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स आप लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं ले सकते हो, क्योंकि प्रोटीन तो होता है नो डाउट, बट उसके साथ कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, आपके बीपी में या फिर आपके हार्ट पे या आपके लीवर पे इंपैक्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड अगर आप यूज करो तो वो शॉर्ट टर्म यू कैन से इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। बट अगर आपको परमानेंट ट्रीटमेंट करना है तो आपको कहते हैं ना अपनी किचन में से ये चीजें जो आप खा रहे हो उसी चीज को ठीक करोगे, वो हम बताते हैं कि आपको क्या चीजें खाना है। बट बहुत सारे जिम इंस्ट्रक्टर्स ये कहते हैं जैसे सबसे पहले मोटापा कम करने के लिए हर बंदे का मन बना हुआ भी डाइटिंग शुरू कर दो जी। तो कई बार ऐसा देखा जाता है डाइटिंग इतनी ज्यादा शुरू कर देता है बंदा वो सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खा पाता, क्या ये ज्यादा जरूरत है या डाइटिंग के साथ करने से? नहीं, वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हमारा वही है कि अगर हमें डाइटिंग भी करनी है वो भी एक प्रॉपर गाइडेंस में करोगे, एक प्रॉपर सर्टिफाइड डाइटिशियन के अंडर करोगे तो वो आपको अच्छा गाइड कर सकती है, ताकि आपकी ऐसा ना हो कि आपने वेट तो लूज किया बट साइड में आप 2-3 मेडिकल इश्यूज एड ऑन कर लिए, देन देयर इज नो यूज फॉर दैट। ठीक है, तो बेटर है आप प्रॉपर गाइडेंस में वेट लूज करना है, हमें अपने आप को बीमार नहीं करना। वेट लूज हमारे पास करने आते हैं लोग, हमें खुद बोलते हैं, कई लोग ऐसे थे जिनका वेट लूज हो सकते हैं वो महीने में उन्होंने 1 किलो ही निकाला बट दे आर सो हैप्पी, वो कहते कि हमारे एनर्जी लेस जो हम फील कर रहे थे वी स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक आपकी डाइट से, क्योंकि हम आपको फूड्स काफी अमाउंट। कितना सही है कि हर 2 घंटे बाद कुछ लेना चाहिए, अगर नहीं खाते तो डायबिटीज की तरफ जाते हैं, अगर ज्यादा फ्रूट्स लेते हैं कि अगर आप स्टार्व कर दो। अब अगर आजकल आप गूगल पे भी सर्च करोगे इंटरमीडिएट फास्टिंग का आपने नाम सुना होगा, तो अगर कीटो डाइट करते हो तो आपके शुगर कंट्रोल भी होते हैं, विकान से कि अगर उससे कंट्रोल नहीं होता, बट वो कहते हैं ना कि उसके बीच में भी आपको क्या इंक्लूड करना है, कितनी देर के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग करो और कब खाना है। कई बार क्या होता है कि आप इतना फूड खाते हो कि एकदम से हम धीरे धीरे क्वांटिटी कम कराते हैं, इट्स वेरी इजी कि आपका बॉडी रिएक्ट करती है। कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं दे आर हैविंग जस्ट ओनली 1 चपाती इन अ डे, स्टिल दे आर नॉट एबल टू लूज वेट, तो उसका रीजन ये होता है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर इतनी वो कहते हैं ना फ्यूल डालना बंद कर दिया कि बॉडी भी एक लिथार्जी मोड पे आ गया, उसके लिए कुछ काम ही नहीं मिल रहा विदाउट एडिंग। तो वी नीड टू एड फूड टू योर डाइट, तो हमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एवरी 2 आवर्स में, जिससे कि बॉडी के अंदर जैसे कुछ भी जाएगा बॉडी ट्रिगर करेगी कैलोरीज बर्न आउट करेगी दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है। मेटाबॉलिज्म अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली आपका वेट लूज ठीक रहेगा। तो इट्स मिथ कि आप स्टार्व करोगे तो उतना वेट लूज होगा। डाइटिशियन के आपके मुताबिक एक जर्नल कितना वेट कम होता है 1 मंथ? सर जो एक एवरेज होता है अगर कोई भी डॉक्टर भी बोलेगा तो उनका भी होता है कि एवरेज हम बोलते हैं 2-4 kg वेट लॉस इन 1 मंथ, दैट इज वेरी हेल्दी। अगर आप इतना लूज करो दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक, बट समटाइम्स क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी डिपेंड होता है। वी हैव सो मेनी क्लाइंट जिन्होंने 1 मंथ में 8 kg भी निकाला हुआ, बट वो होते हैं अबव 100 प्लस। वो कहते हैं जितना वेट ज्यादा होता है उतना वेट जल्दी भी निकलता है, स्पेशली जेंट्स
जेंट्स लूज फास्टर एज कंपेरिजन टू फीमेल्स बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है. बट अगर एक एवरेज अगर हम लगा के चले तो वो हमारा 2-4 kg इन वन मंथ अगर आप निकाल लो तो उसमें कोई मेडिकल इश्यूज या कोई आपको डेफिशिएंसी होने के चांसेस. बट वो कुछ लूज होने के बाद रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसके बाद हो नहीं पाता. इट्स कॉल्ड प्लेटो वेट. लाइक कई लोगों का होता है कि आफ्टर 10 kg दे गॉट स्टक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो उस टाइम पे क्या होता है कि बॉडी को या तो हमें एक शॉक देना पड़ता है, बॉडी को एक जर्क देना पड़ता है. कई लोगों की बॉडी होती है बहुत जल्दी यूज हो जाते हैं विद द सेम काइंड ऑफ फूड या विद द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. तो उसमें हम कुछ क्लाइंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी अगर फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो ट्राई टू ऐड सम फिजिकल वर्कआउट इन योर डेली रूटीन लाइफस्टाइल. कुछ डाइट्स में हम चेंजेस करते हैं, लाइक जैसे मैंने बोला अगर वो नॉर्मल डाइट फॉलो करे तो हम उनको जंक फूड भी खिलाना पड़ता है. तो अगर बर्गर पिज्जा हम एड ऑन करते हैं तो बॉडी जर्क देती है. तो प्लेटो डाइट्स के लिए भी वी हैव सो मेनी डाइट्स कि आपके कुछ डिफरेंट है, डिटॉक्स हैं, डिफरेंट टाइप के डिटॉक्स हैं. कई बार हम 21 डेज का चैलेंजेस भी निकाल देते हैं क्योंकि एक वो होता है ना अगर एक मोटिवेशन मिल जाता है देन यू विल बी एबल टू ब्रेक डाउन दैट प्लान. लिमिट कुछ भी नहीं है क्योंकि एक वो कहते हैं ना कुछ अच्छी काम की शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं होता. बट हमारे पास मैंने बोला 6-7 ईयर्स वाले भी बच्चे आ रहे हैं और 70-80 ईयर्स के भी आ रहे हैं. क्योंकि प्रॉब्लम देखो 6-7 में मैंने बोला कि अगर वो कहते हैं ना कई बच्चे इतने फूडी हो जाते हैं कि पेरेंट्स की वो नहीं सुनते हैं तो उनको हम डाइट नहीं बोलते हैं बट उनके लाइफस्टाइल के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस इस वजह से लाते हैं ताकि बच्चे को पता भी ना चले कि हमने कुछ चेंज किया है. उनको हम बर्गर पिज्जा भी खिलाते हैं बीच में बट कुछ चीजें ऐड ऑन करते हैं. सेम विद द एज क्योंकि जैसे जैसे एज होती है मेडिकल इश्यूज होते हैं. इट्स नॉट ओनली वन थिंग कि हमें फिट रहना है या हमें स्लिम फ्रीम होना है. अगर आपको अपनी मेडिकल इश्यूज से भी बचना है विद द एज हमारे जो इश्यूज आते हैं उसको भी अगर हमें अपने आप से बचना है तो डेफिनेटली आपको डाइट की रिक्वायरमेंट हर एज पे डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है बट रिक्वायरमेंट हर एज पे हमारे. डाइट के साथ ये लाइफ स्टाइल का कितना इसमें. लाइफ स्टाइल का तो सबसे मेन है. जैसे अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डायबिटीज. डायबिटीज हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है. उसमें अगर 20% मेडिसिन का इफेक्ट होता है, रेस्ट 80% आपके डाइट्स एंड एक्सरसाइज का इफेक्ट है. अंटिल लेस वो चीजें नहीं करोगे ना आपकी मेडिसिन कोई इफेक्ट नहीं करेगी. तो शुगर का और ये बीपी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज में क्या करना चाहिए थोड़ा सा. हाँ उसमें हम जैसे डाइट्स में जो शुगर के लिए है या बीपी के लिए हार्ट के लिए जनरल अगर आप पूछना चाहोगे तो वी हैव टू इंक्लूड मोर ऑफ फाइबर. कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं. प्रोटीन की क्वांटिटी हम इंक्रीज करते हैं. एंड डेफिनेटली जो भी मल्टीग्रेन या जो आपके होल वीट है बजाय के रिफाइंड फ्लोर्स के अलावा हम होल फ्लोर्स आपके डाइट्स में. कोलेस्ट्रॉल के लिए बेसिकली आपको जो वेजिटेबल ऑयल है या फिर आपका जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें कट ऑफ करना पड़ता है. एंड डेफिनेटली फाइबर इंक्लूड करवाना पड़ता है. जैसे जिसको भी कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज है हम उनको बोलते हैं कि आप जितने भी फाइबर इंक्लूड करोगे वॉक अपने फिजिकल लाइफ आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आपको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा. ओट्स या ओट्स से बने हुए प्रोडक्ट्स आप अपने इंक्लूड करो क्योंकि ओट्स कम्स इन सोल्युबल फाइबर जो कि डेफिनेटली फॉर कोलेस्ट्रॉल पर्पस इट्स रियली गुड. एंड सेम विद द कुछ सीड्स हम यूज कर सकते हैं फॉर कोलेस्ट्रॉल. एंड उसमें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स आ जाते हैं. कुछ नट्स हैं आलमंड्स एंड वॉलनट के बारे में आपने सुना होगा जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं. हाई आई एम डाइटिशियन शीला सुहाग शेरावत एंड यू आर वॉचिंग विजन न्यूज. प्लीज kindly do share this channel.